रेडी। चलो बच्चों, आप सभी के बीच देखो हेडिंग क्या लगाया गया है, क्या लगा यहाँ पढ़ो तो। यस यस यस, रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे किसके हैं, रेलवे के हैं। और आप देखिएगा सब में रेलवे का किस किस ईयर का क्वेश्चन हमने लगाया है। कोशिश पहले सभी लोगों को क्या करना है, खुद से बनाना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग एक मिनट का समय देंगे हम, और उस एक मिनट में बना लिए तो गुड, नहीं बनाए तो वेरी गुड, तो फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चंस। और सारे बच्चे दिमाग लगाओ, उम्मीद करते हैं कि किसी से तो बनेगा। और यहाँ यदि बच्चे शायद ये सब चीज़ नहीं पढ़े होंगे तो शायद मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि सवाल पहला ही मुझे बढ़िया दिख रहा है जो कई को मुसीबत दे सकता है। 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% वहाँ देख लीजिएगा कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट, है ना। 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। इस सवाल उम्मीद करते हैं बच्चों नहीं बनेगा, आइए हम समझाते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा, और एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है इसलिए इस सवाल को ध्यान से समझिए कि कैसे बनाएंगे यदि आ जाएगा। एक आदमी ने 16,400 रुपये की राशि क्या लिया, उधार लिया, और किस रेट पर लिया भाई, 5% रेट पर। और इसको देखिए वापस कैसे लौटा रहा है, तो किस्त में लौटा रहा है। कैसे लौटा रहा है, किस्त में, और बराबर वार्षिक किस्त पर लौटा रहा है। बराबर वार्षिक किस्त पर लौटाने का क्या मतलब हुआ, यदि इस साल एक्स रुपया तो अगले साल भी एक्स ही रुपया देगा, और इस तरह से वो रुपया दे के चुकता कर लेगा। तो देखिए होता क्या है, जब आप किस्त पे कोई चीज लेने जाते हैं ना, तो और वो जिससे आप ले रहे, सपोज करिए आप कार खरीदने गए, ठीक है, और आपने कहा भाई हमें किस्त पे लेना है, और शर्त रख दिया कि प्रत्येक साल जो है बराबर बराबर किस्त हम फिक्स कर देंगे। और अक्सर होता भी वही है, अब देखिएगा तो किस्त वाला क्या होता है, या तो महीना चलता है या तो ईयरली चलता है। तो यहाँ आपका क्या चल रहा है, साल, ईयरली चलता है वार्षिक रूप से। तो वो जो आपका किस्त फिक्स करेगा, जैसे सपोज करिए उसने फिक्स कर दिया एक्स रुपया और एक्स रुपया, इस साल एक्स रुपया, अगले साल एक्स रुपया, तो क्या लगता है वो जो एक्स और एक्स आपने दे के चुकता किया, वो एक्स में ब्याज इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ब्याज जोड़ के लेगा कि नहीं लेगा, कि खाली मूलधन ही ले लेगा वो, नहीं, ब्याज जोड़ के लेगा, ये तय है। मान लीजिए बच्चों कि पहला साल एक्स दिया और अगला साल भी क्या दिया, एक्स दिया, और इस तरह से दोनों साल वो एक्स एक्स देके अपना कर्ज को क्या किया, चुकता कर दिया। तो ये जो एक्स दिया होगा, तो जिस दिन कार खरीदा उसी दिन दे दिया होगा क्या, नहीं, कब दिया होगा, साल के अंत में, साल के अंत में, या कहिए साल जैसे शुरुआत हो रहा होगा उस समय दिया होगा, समझ लीजिए। तो ये पहला साल के अंत में और ये दूसरा साल का, तो आप बताइए ये जो आपने पहला साल के अंत में दिया, तो एक साल के बाद ही ना लौटाए आप धन, तो कार वाला आपसे एक साल का ब्याज ले लेगा, उससे उस पर कितने रुपए का ब्याज जोड़ा होगा, एक साल का ब्याज जोड़ा होगा, और ब्याज जोड़ के जो रुपया बना उसको उसने फिक्स कर दिया एक्स। चूंकि आप जो उसको एक्स दिए तो सिर्फ मूलधन थोड़ी दिए होंगे, आप ब्याज सहित यानी मिश्रधन लौटाए होंगे, बात को समझना, बढ़िया सवाल है। आपने इसको कैसे लौटाया होगा, ब्याज सहित, और ये जो दूसरे साल दिए, दो साल का ब्याज सहित, यानी मिश्रधन। जब मूलधन में ब्याज जुड़ता है तो क्या बनता है, मिश्रधन। तो ये आपका एक साल का ब्याज सहित, और इसमें दो साल का ब्याज देके आपने कर्ज को क्या किया होगा, चुकता कर दिया होगा। आइए हम लोग, यदि इसमें ब्याज इंक्लूड है तो हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग मूलधन पता करते हैं। क्या पता करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत मूलधन, कि भाई यदि ये ब्याज सहित ये धन है तो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, मूल मान इसका क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। तो आप रेट क्या है यहां पे, 5%, 5% का होल वैल्यू 21/20, 5% का होल वैल्यू 21/20, और यदि मिश्रधन ये है और मूलधन की ओर जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं,
होल वैल्यू का उल्टा, क्योंकि मूलधन दिया हुआ रहे और मिश्रधन पता करना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करिए, यानी ब्याज जोड़ दीजिए मूलधन में तो क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। मूलधन में ब्याज जोड़ देने से क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। इतना तो टेंथ में ज्ञान होगा, बिल्कुल अननोन है। तो इसमें एक साल का ब्याज यानी ये मिश्रधन और ये दो वर्ष का मिश्रधन, राइट। तो इसमें हम होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देते हैं, उल्टा गुना दैट इज 20 बटे, और इसमें इसमें सीधा इक्वल, एक एक नियम लगा रहा है, इसमें सीधा इसमें उल्टा हद है, इसमें दो बार उल्टा, दो साल का है ना तो दो बार उल्टा गुना करेंगे, यानी 20 बटे 21 गुना 20 बटे इसका स्क्वायर कर लीजिए, समझिए राइट। और इसी दोनों को जोड़ दें तो हमारा ये ओरिजिनल मूलधन पता चल गया कि मेरा ओरिजिनल रुपया क्या था, और ओरिजिनल रुपया क्या था, इतना ही रुपया उधार लिया था वो, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 16,400 के बराबर हो गया। आपको सॉल्व करके एक्स निकाल देना है, कोशिश करिए सभी एक्स निकालने का, हम भी निकाल रहे हैं, देखते हैं आप कैसे निकालते हैं। तो 20 बटे 21 यदि हम यहां से कॉमन ले लें बच्चों तो हमें यहां मिलेगा 1+20/21, और ये वैल्यू किसके बराबर, भाई एसी का तो प्रभाव लगता है उधर ही रह जा रहे हैं, 16,000 कितना 400। ये बच्चों एक्स का 20/21 गुणा इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 41/21 राइट, और ये किसके बराबर, 16,400। ये कितने बार में कटेगा बताओ, 400 बार में, और 20 से ये कट गया कितने बार में, 20 बार में। तो x का मान हमें दिख रहा है 441, 21 का स्क्वायर 441, और 441 गुना 2 करोगे तो बच्चे कितना आ गया, 2820। वेरी गुड ऑप्शन है, यस द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट बच्चों। क्वेश्चन ही लिखना है आप लोगों को, आप सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, द फाइनल आंसर इज 8820, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिया जाए, बोलो ना थोड़ा जोर से, नाउ नेक्स्ट, इसको विजिट करो, ये भी साधारण ब्याज का ही सवाल है बच्चों, एकदम मिक्स करके मैंने लिया है पूरा सवाल, सॉरी दिस इज योर क्वेश्चंस। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, एनीबडी बना सकते हैं, बनाइए, मैं मौका दे रहा हूं 1 मिनट, सारे बच्चे सोचो इस सवाल पे, फोकस करो, अपना प्रयास अपने ज्ञान का प्रयोग करो और देखो कि बन पाता है या नहीं। ओके वेरी गुड, देखो बच्चों आ जाओ समझना, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, थोड़ा ब्रेन को शार्प रखिए। साधारण ब्याज जो है बच्चों हमेशा मूलधन पे लिया जाता है, किस पे लिया जाता है, मूलधन पे। जैसे सपोज करिए 100 रुपया आपने उधार लिया और 5% की दर पर लिया, तो एक साल में आपको 5 रुपया ब्याज बनेगा, 5% मतलब 100 पर 5 रुपये, यदि इस साल 5 रुपये तो अगले साल भी 5 ही बनेगा, उसके अगले साल भी 5, उसके अगले साल भी, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, समान होता है। अब एक बात और, जैसे हम कहें, समझिएगा थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं रेट हमारा 2% और टाइम हमने दे दिया 3 वर्ष, हम आपसे पूछेंगे कि प्रतिशत में ब्याज कितना बनेगा, तो 3×6% 2%, 2%, 2%, 3 साल में 2×6% बन जाएगा ब्याज, राइट। अब यहां पर गौर करिए, आप 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि हो गई, तो ये जो राशि में वृद्धि हुआ ये वृद्धि ही तो ब्याज होगा ना, यदि राशि में वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होना होता क्या है, ब्याज ना बढ़ता है, तो 6 साल में उसमें प्रतिशत में कितना वृद्धि हो गया, 60%, 60% बढ़ गया, यानी 6 साल का ब्याज है 60%, जितना बढ़ा वही ना ब्याज होगा, तो प्रतिशत में 60 बढ़ा तो 6 साल में क्या बढ़ा, कितना परसेंट, 60,
तो ये 60 ब्याज होगा ना 6 साल का, तो 6 साल में 60, तो एक साल में 10, यानी एक साल का ब्याज पता चल गया 10, और एक साल का जो ब्याज आपने पता किया प्रतिशत में, वही आपका क्या हो गया रेट, वो क्या हुआ रेट, यही ना चल रहा होगा 10% 10% 10%, तो 6 साल में 10 × 6 = 60%, तो एक साल में कितना, तो एक साल में जो हमने पता किया वो क्या हुआ रेट हुआ, यस। यानी यहां समय रेट कैसे पता चल गया, तो 60 में हमने क्या किया बच्चों, 6 से भाग लगाया, हमें रेट पता चल गया 10%, राइट। अब देखिए मूलधन कितना दे रखा है 10,000 का, तब इस राशि पर उसी दर से 3 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मिश्रधन पता करते हैं, क्या पता करेंगे मिश्रधन, और मिश्रधन पता हो जाएगा तो मिश्रधन में मूलधन घटा देने से ब्याज मिल जाएगा ना। चलिए 10,000 हमारा मूलधन है, किस रेट से बढ़ेगा 10% की दर से, तो 10% का होल वैल्यू 11/10, 1/10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11/10, और कितने साल का 3 वर्ष बाद, 3 बार सीधा गुना करेंगे 11/10 × 11/10 × 11/10, बात समझ में आ रही है, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाना चाहिए, राइट। 11 का क्यू कितना 1331, 11 का क्यू होता है 1331, है ना, और एक जीरो आएगा सर, क्या एक जीरो, ये हमारा क्या निकल गया मिश्रधन निकला कि नहीं, 3 साल का मिश्रधन, और इस मिश्रधन में इस मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज पता चलेगा, जिसमें जैसे ही आप 10,000 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3310 रुपया आपको उत्तर आ जाएगा, समझ में आई बात, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा बनाना है आपको, अभी आप मत छापने की कोशिश ना करें, वहां छाप लीजिएगा, अभी बनाने की कोशिश करिए, बन जाए तो ठीक, नहीं तो समझ के रखना है, छापने का मौका आपको मिलेगा ही ना, हम इसको डाल देंगे आपके चैनल पे। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है, उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, देखते हैं इस सवाल को बढ़ाओ तो एनीबडी, चलो मैं बताता हूं, देरी हो गई, इतना समय अब समाप्त हो गया आप लोगों का। देखो आपसे पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए, यहां पे दो चीज है, या तो आप सबसे बड़े व्यक्ति के दो तरीके से इसको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, पहला एकदम बेसिक एक्स मान के बना के दिखाते हैं आपको, या तो मान लीजिए सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, सीधा बैठो सीधा, डिसिप्लिन में हमेशा कहते हैं ना कुछ सीखा करो, क्लास में कैसे बैठा जाता है, मैंने क्या कहा, या तो सबसे छोटे की उम्र मान लीजिए, या तो सबसे बड़े की उम्र मान लीजिए, या तो सभी का ध्यान है ना क्वेश्चन पे, कि सोच रहा है कि कुछ और, हाँ तुम्हारा चेहरा देख के हम पढ़ लेते हैं तुम कहां जा रहा है, या तो सबसे छोटे की उम्र मान लीजिए, या तो सबसे बड़े की उम्र मानिए, हम मान लेते हैं कि सबसे छोटा कितने वर्ष का है, एक्स वर्ष का, अच्छा सब कहा कितने के अंतराल में पैदा हुआ है, सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर, यानी 5-5 साल में पैदा होता गया, राइट, इसका मतलब सबसे छोटा एक्स का, तो उससे जो बड़ा होगा वो एक्स प्लस 5 होगा, होगा या नहीं, यानी इससे बड़ा वाला होगा एक्स प्लस 5, इससे बड़ा एक्स प्लस 10, इससे बड़ा और इससे बड़ा और इससे बड़ा, क्या 6 आदमी हुआ क्या, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है ना, एफ तक गया है मतलब 6 आदमी, और इस सभी के उम्र का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 105, तो क्या एक्स का मान नहीं निकल गया, निकल गया कहां निकल, 6 आदमी है, 6 बार एक्स लिखाया गया है, 6x हो गया, सबको जोड़िए 5, 10 कितना 15, 15, 15, 30, 30, 20,
और 50 25 75 और कोई बात नहीं, इधर ही 75 लिख देते हैं, बराबर 106x बराबर 105 में 75 घटाइए 30 30, यानी x का मान आपको क्या मिल गया 5। x पता चल गया, आपसे पूछा था सबसे बड़े व्यक्ति, ये है सबसे बड़ा, तो x का मान 5, तो सबसे बड़ा कितने का 30 वर्ष का, यानी सबसे बड़ा आपका मिल गया 30 वर्ष का। और देखिए ग्रुप डी का सवाल है, कहां पूछा है, ग्रुप डी में, डी से नीचे तो परीक्षा नहीं होता है, सबसे निचला परीक्षा। बात क्लियर है सभी का? इसका दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा, छापना बंद कर दीजिए, समझिए ना, नो प्रॉब्लम, छापने के लिए मौका मिलेगा ना वहां पे, वहां वीडियो में जाके छाप लेना। देखो नंबर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाए हैं, और यदि वो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप समझ जाइएगा। देखो यहाँ पे 6 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट डाल दिए, और जब प्रत्येक दो के बीच अंतर समान होता था तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लागू होता था जो अभी समझाने जा रहे हैं। जब प्रत्येक दो नंबर के बीच अंतर क्या हो, समान हो, जैसे यहाँ प्रत्येक दो के बीच 5 5 का अंतर चल रहा है ना, तो यहाँ पे ये लागू हो जाएगा। क्या लागू होगा आप बताइए, यदि यहाँ 6 नंबर है तो इस 6 में जो बीच वाला नंबर है उसका वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो आप कहेंगे इसमें 20 तो सर दिख ही नहीं रहा हमको, बीच यदि है तो 2 बीच है, लेकिन ठीक बीच कौन होगा, तो आप कहेंगे 3 इधर 3 इधर, ये होगा ठीक बीच, हो गए नहीं। और बीच वाले का वैल्यू कैसे पता होता है, योगफल में संख्या से भाग लगाने से, योगफल में संख्या से भाग, यानी 105 माप 6 से भाग लगाइए, बताओ कितना होगा, 6 इकाई 6 4 45 6 7 42, और उधर 6 5 30, 17.5 आ गया बीच वाला वैल्यू। हमको पहुंचना है इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है, तो आप बताइए इस दोनों के बीच का दूरी कितना, 5, तो जब बीचों बीच बांटे तो आधा में बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.5, और फिर यहां से यहां 5, यहां से यहां 5 है ना, तो 5 5 10 10 प्लस 2.5 12.5, और इसे 12.5 जोड़िए, क्या ये 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे भी बना सकते थे। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, दिस इज योर नेक्स्ट, इससे पहले अटेम्प्ट थोड़ा देर आप लोग, हम थोड़ा समय जरूर देंगे आपका आंसर जानने के लिए। और एक सा बच्चा पढ़ा है अभी, सारे बच्चे एज पढ़े हो और जवाब दो, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी, वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी, राम की वर्तमान उम्र क्या है बच्चों, एसी में पीछे बैठने वाला सो नहीं जाना, तेरह वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी, वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी, राम की वर्तमान उम्र क्या है, अभी तक उत्तर नहीं आया, व्हाट इज 80 77। तो दो ऑप्शन आ गए, एक 80 और एक 77, कौन सही है अब देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 13 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, 13 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, कौन कौन सा बच्चों, एक राम और एक शनि, क्या रिलेशन है दोनों में, कहता है राम की उम्र शनि की उम्र की क्या है, दोगुना है, यानी इस दोनों के बीच 2:1 का रेशियो। फिर कहता है वर्तमान से 3 वर्ष बाद, अब कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, क्या रिलेशन है, कहता है राम की उम्र जो है, सॉरी शनि की उम्र राम की उम्र का 3/5 होगी, और यही मैक्सिमम बच्चा गलती कर बैठेगा जो करता है। रे लड़की नींद आ रहा है क्या तुमको, तो सो ही जा रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, हा 3 वर्ष बाद की बात बताओ, देखो क्या कहा, शनि की उम्र, और ये यहां रेशियो लिखने में मैक्सिमम बच्चा गलती कर देते हो। अच्छा एक बात बताओ, इससे यदि हम राम और शनि का रेशियो लिखना चाहें
तो राम के पास क्या वैल्यू दें? बोलो, वेरी गुड। क्योंकि शनि की उम्र की तुलना किससे किया गया है? राम की उम्र से। जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे वाला वैल्यू दिया जाता है, राइट? यानी राम के पास जाएगा 5 और यहां क्या हो जाएगा? 3। सही है। शनि की उम्र राम की उम्र का 3/5 है, यानी राम 5 है तो शनि 3 है। 13 वर्ष पूर्व से 3 वर्ष बाद जाने में कितना वर्ष जुटा होगा? 16। वेरी गुड। तो दोनों में 16-16 जुटा होगा। क्या रेशियो में समान वृद्धि हो रहा है? बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है। क्या बताया? इसके अंतर को यहां और इसके अंतर को, इसका अंतर 1 है, गुना करने से कोई फर्क नहीं। इसका अंतर 2, 2 यहां गुना करते हैं तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब देखो तो बच्चों, रेशियो में समान वृद्धि दिखा। रेशियो में 1 और वर्ष में 16। उत्तर यहां से भी दे सकते हैं, उत्तर यहां से भी दे सकते हैं। हमको तो लग रहा है यहीं से फायदे में रहेंगे, क्या नजदीक है हम लोग। राम का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। 1 का मान 16 तो 5 का मान 16 = 80। लेकिन ये 80 कब का? 3 वर्ष बाद। कोई 80 का है तो वर्तमान कितना होगा? 3 माइनस करेंगे यानी आंसर होना चाहिए 77। क्लियर? नो, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लीजिए, हवाई जहाज वाला क्वेश्चन। एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल क्या है? 30 सेकेंड, यू हैव 30 सेकेंड। प्रयास करना यदि कोई छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम काम छोड़ रहे। प्रयास करना मत छोड़ो बाबू, दिमाग लगाओ। हर वैरायटी का क्वेश्चन यहां सीखना है, चैप्टर तो सिखा ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी सीखते चलोगे तो बहुत बात बनेगी आगे चल के। आई थिंक योर टाइम इज ओवर नाउ। आइए बच्चों, एक जहाज जो है एक समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से वो राउंड मार रहा है। ये रहा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का नाम सुना है कि नहीं? यस। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का समान होता है ना? अच्छा, समान होता है, गुड। यानी ये एक्स तो ये भी एक्स और ये भी क्या होगा? तीनों भुजा की लंबाई बराबर होता है, राइट? तीनों भुजा के परितः उड़ान भर रहा है। एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया। तो एक तरफ 300 की स्पीड से जा रहा था, दूसरी भुजा की दूरी 200 की गति से और तीसरे भुजा की दूरी 240। चलिए, एवरेज स्पीड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप अभी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, राइट? तो एवरेज स्पीड में बस एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेना है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, राइट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल कुल दूरी बटे कुल समय। अरे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं? यहां थोड़ा अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से तय कर रहा है, तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आ जाओ, टोटल डिस्टेंस तो बच्चा भी बता देगा, 3x दूरी तय किया है प्लेन, एक्स 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 यानी 3x। लेकिन हर दूरी को अलग अलग चाल से, तो हर दूरी को तय करने का समय अलग अलग, ओके? समय निकालना है। आइए, इस दूरी को तय करने में लिया गया समय x बटे 300। अरे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अभी अभी पढ़ रहे हो ना? समय बराबर दूरी बटे, और दूसरा x तय करने में इतना घंटा, और तीसरा x तय करने में 200 इतना घंटा। सभी को जोड़ देंगे तो क्या ये टोटल टाइम होगा या नहीं होगा? 300, 200 और 24, 240 कैल्शियम, मुझे लग रहा है 1200 होना चाहिए। 1200 नहीं होगा क्या? ना, हमको तो लग रहा है। अच्छा, कॉन्फिडेंस से बोलता है ने? सोचा इतना जल्दी सर कैसे लिख दिए, इसका मतलब नहीं है होगा। वाह, 300 से भाग लगाओ 4 बार में, यहां आ गया 4x, 2 × 6 यहां 6x, 24 × 5 = 120 होता है, होता है कि नहीं? यानी 5 बार में कट गया, दैट इज 5x।
चार छो दस, दस पांच पंद्रह, एक्स बटे कितना बच्चों, पंद्रह अठे 120 होता है मालूम है, यानी टोटल टाइम पता चल गया कितना, बोलो जोर से, एक्स बटे 80। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना 3x, अब बटे कुल समय x बटे 80, इसमें भाग लगाना है x बटे 80, 80 ऊपर जाएगा, 80 तिया 240 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड थी। कोई प्रॉब्लम क्या? आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी समझते हो ना, वो एनटीपीसी ने थर्मल पावर वाला, ये तुम्हारा एनटीपीसी है जो परीक्षा होता है क्या रे, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कुछ ऐसे ही होता है ना इसका, फूलो फॉर्म जानता है कि नहीं, रेलवे तैयारी करने वाला। एक बार नेता जो है ना ऐसे ही, मतलब बीच में हंगामा हुआ था, आप लोग देखे होंगे ट्रेन का, एक बार नहीं ट्रेन में बहुत सारा बच्चा सब आक्रामक हो गया था परीक्षा को लेके, हाँ नहीं एनटीपीसी को लेके, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ था, तो बच्चा लोग यार पूरा धांधली किया था पता होगा, तो उसमें नेता लोग भी निकल गया, नेता लोग भी क्या हुआ निकल गया, नेता लोग को मौका मिलना चाहिए, तो विपक्षी क्या हुआ वो निकल गया, तो विपक्ष लोग हंगामा करने लगे, तो मीडिया आया बोला आप लोग किस लिए मतलब हंगामा में लगे, अरे बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम समर्थन कर रहे हैं तो बोला क्या चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या समस्या है, बोला क्या समस्या है, वो सब बात मत करिए, बस समस्या है जो उसको पता नहीं है क्या समस्या है, तो बोला समस्या तो बताइए क्या हो रहा है, आप इन बच्चों के पीछे घूम रहे हैं क्या समस्या, समस्या है, समस्या एनटीपीसी है, एनटीपीसी याद आ गया उसको बोलते बोलते, बोला एनटीपीसी समस्या है, बोला एनटीपीसी होता है क्या फुल फॉर्म है, बोला क्या फुल फॉर्म हुआ, बिजली पैदा होता नहीं पता आपको, ऐसे नेता भी समर्थन कर रहा था, हम टीवी पे देखें पूरा एकदम चल रहा था ये सब कहानी बाबू। चलो ये बड़ा दो बसें दो स्टेशन मुंबई और पुणे जिसके बीच की दूरी, देख लो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आ रहा है, दो बसें दो स्टेशन मुंबई और पुणे जिनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है से एक ही समय पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है और एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, उनकी चाल का अनुपात क्या है, वेरी सिंपल। अभी अभी जो पढ़ा है देखो उसी से सवाल आया है और देखिए हम बता देते हैं आपको, क्या पहले बनाएंगे आप लोग, थोड़ा 30 सेकेंड हम वेट कर लेते हैं, 30 सेकेंड ओनली 30 सेकेंड, उससे ज्यादा का तो 30 ही अपने आप में बहुत समय है इसके लिए, इस क्वेश्चन के। कोई भी एनी बॉयज एंड गर्ल्स नो, आई दो बस दो स्टेशन, एक स्टेशन का नाम बच्चों मुंबई और दूसरे का नाम पुणे, राइट, जिनके बीच की दूरी कितना बताओ 300 किलोमीटर, एक ही समय में एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलता है, एक ही समय में मतलब इधर से 6 बजे तो वो भी इधर से 6 बजे चलना शुरू किया, और जब एक दूसरे के विपरीत चलेगा तो मिलेगा कि नहीं बीच में, मिला, देखो कहता है एक स्टेशन से कितने दूरी पर मिल गया 220 किलोमीटर का, अब किस स्टेशन से 220 हमें नहीं पता, कहीं से 220 ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मुंबई से यहां 220 किलोमीटर की दूरी पर उसने क्या किया, मिल गया, राइट, यानी हमने कहा यहां मिला, अरे दोनों चलेगा तो बीच में मिलेगा ना, मैंने समझ लिया कि यहां मिला, राइट, और यहां मिला और यहां से यहां की दूरी बता रहा है कितना 220 किलोमीटर की दूरी पे जाके मिला किसी स्टेशन से, तो यदि ये दूरी 220 तो जो बचा वो तो 80 होगा क्योंकि टोटल 300 था, यानी एक बस जिस समय में जितने समय में 220 चला उतने ही समय में दूसरा, टाइम इज कांस्टेंट, टाइम क्या है, दोनों 6 बजे चला दोनों को उतना ही समय मिला, लेकिन एक चला 220 दूसरा चला, और आपको देखिए पॉइंट लिखाए होंगे, यदि समय कांस्टेंट हो तो दूरी का रेशियो बराबर चाल का रेशियो और चाल का रेशियो बराबर दूरी का, तो ये दूरी का रेशियो है यही रेशियो हो जाएगा चाल का, यानी 11:4 आंसर इज सी।
समझ में आया? वेरी गुड। चलो नो नेक्स्ट। कोहरा आ गया, बड़ा भयानक सब सवाल है रे। एक तो बच्चा कैसे नहीं दिख रहा है उसे, ऊपर तो कोहरा का सवाल। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी, लो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा है तुम लोगों को पीछे वाले? कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो तुम लोगों को भी कुछ दिखने नहीं लगा होगा क्या? सवाल पढ़ने के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा होगा क्या? कोई बात नहीं, आइए हम बताते हैं, समझिए। देखो, अच्छा आप लोगों से एक चीज, अभी तो टाइम एंड डिस्टेंस तुम लोग पढ़ ही रहा है, उसमें तुम लोग को रिलेटिव स्पीड जब आगे पढ़ाएंगे सापेक्षिक चाल, तो ये सापेक्षिक चाल से सवाल आया है। जैसे हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से सुनना, एक ट्रेन है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। एक ट्रेन की गति क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। और एक आदमी जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। हम आपसे बस इतना सा पूछेंगे कि बताओ 40 किलोमीटर जैसे एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाना चाह रहे हैं थोड़ी सी बात। जैसे सपोज करो बच्चों, ऐसे हम लोग जाने कि रिलेटिव स्पीड को थोड़ा समझा देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। इसमें क्या बताएं, जैसे एक का स्पीड हमने लिया 10 और दूसरे का स्पीड हमने क्या लिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। और जैसे ऐसे समझो बच्चों, थोड़ा सा इस दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते हैं 40 किलोमीटर, राइट। थोड़ा सा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं शॉर्ट में। दो स्थान के बीच की दूरी हमने कितना मान लिया? 40। एक आदमी यहाँ है, सपोज करो ये है तुम्हारा सिपाही, ये क्या है? सिपाही। और यहाँ है चोर, यहाँ कौन है? चोर, ठीक है। और चोर की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। आप बताओ यदि चोर यहाँ खड़ा रहेगा, कहेगा आइए हमको पकड़ लीजिए हम चोर हैं, तो ये सिपाही उसको कितने देर में पकड़ेगा? जल्दी से जवाब दो। चार मिनट में। अरे भाई ये किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम घंटे में ना निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे। सिपाही को कितना दूरी तय करना है? 40। किस स्पीड से? तो 40 को 10 की स्पीड से 4 घंटे में नहीं पकड़ लेगा? पकड़ लेगा ना। अच्छा ये दौड़, यदि चोर भागना शुरू कर दिया था तो 4 घंटा लगेगा? बोलिए, यदि चोर भी देखा और भागना शुरू कर दिया तो क्या लगता है, क्या लगता है कि 4 घंटे में पकड़ेगा? ज्यादा लगेगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही चोर भागना शुरू किया, अब तो सिपाही 10 की गति से नहीं दौड़ रहा है, सिपाही का गति चेंज हो गया। किस गति से? तो देखो ये 10 की गति से और ये 2 की गति से, इसका मतलब हुआ ये 1 घंटे में 10 दौड़ेगा तो ये घंटे में 2 दौड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब 1 घंटे में दोनों के बीच कितने किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा? 8 का। प्रत्येक घंटा क्या होगा? 8-8 किलोमीटर कम करता जाएगा, करता जाएगा कि नहीं? तो जब एक ही दिशा में दौड़ रहा है तो प्रत्येक घंटा 8-8 का कम करता जा रहा है, तो इसी को कहते हैं सापेक्षिक चाल। जब दो व्यक्ति गतिशील हो और दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो दोनों का चाल क्या होता है? घट जाता है। तो 10 में 2 गया 8, यानी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पकड़ रहा है उसको, राइट। Yes, तो इस स्पीड से 40 की दूरी कितने घंटे में? 5 घंटे में पकड़ लेगा। थोड़ा सा रिलेटिव समझ में आया? अब इस सवाल पे आ जाओ। देखो ये सवाल क्या कह रहा था, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करता है जो गाड़ी की दिशा में ही दौड़ रहा है। किस स्पीड से? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो भी दौड़ रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक
देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों एक हम इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन को समझना, थोड़ा सा बुद्धि से चिंतन करना। यहाँ पे दो बात उस लड़के के बारे में कहा गया, कहा लड़का दौड़ रहा था, कोहरा ठंडा का मौसम था और उधर से बस भी उसी दिशा में जा रही थी, ठीक है। तो कहता है गाड़ी की दिशा में जब जा रहा था, यह उस गाड़ी का कितने मिनट तक, 4 मिनट तक देख सकता है। क्या मतलब हुआ, जैसे ही वो गाड़ी उसको पार करी होगी तो कितने मिनट तक उसको देखता रहा, 4 मिनट तक उसको दिखता रहा। बात समझ में आ रहा है, 1 मिनट हुआ तब भी दिख रहा है, वहां गया 2 मिनट में वहां गया, 4 मिनट तक दिखता रहा और 4 मिनट जैसे उसके बाद ओझल हो गया, दिख ही नहीं रहा। ऐसा होता है कि नहीं, कुछ दूरी पर नहीं दिखता है। यानी 4 मिनट तक उसको क्या किया, दिखाई पड़ा। और उसी को दूसरी भाषा में बोल दिया कि 100 मीटर के बाद उसको दिखाई नहीं पड़ा। इसका मतलब 4 मिनट में जो दूरी तय हुआ होगा वो 100 के बराबर होगा। बस इसको बराबर कर देना, आंसर तैयार। लेकिन इसमें कौन सा चाल लेंगे, सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों गतिशील है, दोनों गतिशील है ना। आपसे पूछा है गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल हम मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पे देखो किसकी चाल दे रखा है, उस व्यक्ति का कितना है, 3। एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों का चाल घटेगा, सापेक्षिक चाल। यानी इस चाल से 4 मिनट में जो दूरी तय हुआ होगा वही दूरी किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 100 मीटर के बराबर होगा। लेकिन यहां यूनिट बैलेंस नहीं है, हम इसको मान लिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या किलोमीटर प्रति घंटा के साथ मिनट गुना होगा, नहीं, घंटा गुना होगा। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। देखो जो पढ़ते हैं वो सवाल कैसे आ रहा है बाबू। तो ये हो गया किसमें, घंटा में। तो जैसे ही किलोमीटर को घंटा के साथ गुना किए तो दूरी आ गया किसमें, किलोमीटर में। दूरी किसमें, किलोमीटर में। ये किलोमीटर है क्या, ये तो किलोमीटर माना चाहिए, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग। सॉल्व करेंगे, एक्स तैयार हो जाएगा। 00 से ये 00 की कहानी खत्म करते हैं, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 2 × 4 2 × 3 6। अब यदि मैं क्रॉस गुना कर दूं तो ये हो रहा है 2x - 2 × 6 = 3। यानी x का मान 6 × 3 = 9/2, 9/2 यानी 4.5, 9/2 यानी 4.5। समझ में आया, और चिंतन करिएगा बढ़िया से इस सवाल पे घर जाके फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये रहा 8वां प्रश्न, बोट एंड स्ट्रीम। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरने पर यह पाता है उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। जल की गति क्या, ध्यान से सुनिए। आप नाव पे कभी चढ़े ही होंगे, नहीं चढ़े होंगे तो देखे तो होंगे, इतना तो तय है। जब पानी में गति होता है तो धारा के विपरीत जब नाव चलता है और कभी धारा के साथ चलता है, समय किसमें ज्यादा लगता है, धारा के जब विपरीत चलेगा, राइट। तो कहता है जब धारा के विपरीत चला और धारा के साथ चला तो विपरीत में साथ वाले से दोगुना समय लगे। यही रिलेशन दिया है, लिखा है कहीं दोगुना, देखो उसे धारा दिशा में कहने लगा हुआ समय धारा के समय आधा है। तो आधा का भी रिलेशन यही है, 2:1। इसका आधा नहीं लगा, देखो तो है या नहीं है। यानी ये जो टाइम है, ये टाइम बताओ तो धारा के साथ का होगा या विपरीत का होगा, धारा के विपरीत का होगा भाई। विपरीत में ज्यादा लगा होगा और साथ में कम लगा। ये धारा के विपरीत का समय और ये धारा के साथ का समय। अच्छा एक बात बताओ, दूरी तो सेम ही चला धारा के साथ भी और धारा के, और जब दूरी कांस्टेंट हो, सिखाएं अभी, जब दूरी कांस्टेंट हो तो समय का उल्टा रेशियो चाल का और चाल का उल्टा समय का होता है। यदि हम इसको उलट दें तो ये बन जाएगा 1:2। इसका मतलब धारा के साथ 9 की चाल, सॉरी ये टाइम था विपरीत का ना, ये था, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी, विपरीत का था और ये धारा के साथ का। तो धारा के विपरीत चाल हो गया 1 और धारा के साथ चाल हो गया 2, राइट।
बच्चों जब कभी भी एक चीज थोड़ा सा समझा देते, देखो हम मान लेते हैं 9 की चाल x है, क्योंकि हर वैरायटी का सवाल आ जाता है ना, तो हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट देना पड़ जाता है। क्या आप लोग बोटनी स्ट्रीम नहीं ना पढ़े हो अभी भाई? मान लेते हैं 9 की चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा के साथ जो चाल होगा दोनों चाल जुट जाएगा, दोनों चाल क्या होगा जुटेगा। मान लीजिए ये है 5, धारा के साथ 9 की चाल क्या है 5, और धारा के विपरीत जब चलेंगे तो यही चाल घटेगा, और मान लेते हैं ये कितना है 3, राइट। आप नंबर सिस्टम में पढ़े हो रहे हैं कि जब x प्लस वाई और x माइनस वाई पता हो तो x और y कैसे डायरेक्ट निकाला जाता है, x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दैट इज 4, और y कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा के 2 से भाग, यस। आइए हमें धारा के विपरीत चाल और धारा के साथ चाल यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई पता है ना, तो क्या हम 9 की चाल और धारा की चाल बता सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो 9 की चाल निकलेगा x, x यानी 9 है, और दोनों को घटा के 2 से भाग लगाएंगे तो धारा की चाल निकल जाएगा। और 2 से भाग नहीं लगाना है, क्योंकि रेशियो लिखते समय फिर तो 2-2 कट ही जाएगा, सीधा एक बार जोड़ेंगे तो 9 की चाल और घटा देंगे तो धारा की चाल। और इस क्वेश्चन में किसी का चाल दिया हुआ है, तैराक स्थिर जल में 9 की गति से तैरता है, हम 9-9 बोल रहे हैं, यहां पे तैराक है, तो तैराक बराबर 9, तैराक बराबर 9, यानी 9 की चाल 9 यानी तैराक की चाल 9, इसमें से कौन सा चाल दिया हुआ है, 3 का कि 1 का, 3 का। ये है 9 की चाल यानी तैराक की चाल, तो 3 का वैल्यू 9 तो 1 का वैल्यू 3, यानी आंसर बच्चों जल की गति निकल गया। इतने समय बहुत सारा हमने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया है, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप समझ ही रहे होंगे। अगला 9 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दोगुनी और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टेंशन नहीं लेना है, तुम समांतर चतुर्भुज देख के तो टेंशन वहीं जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा उसी आधार से उसकी ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, आमने सामने की भुजा, पैरेलल और बराबर, पैरेलल और बराबर भी होता है ना, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। इसने कहा चतुर्भुज की जो ऊंचाई है इसके संगत आधार से क्या है, दोगुना है। हम मान लेते हैं कि उसका आधार क्या है, ए, ए एक्स कुछ भी मानिए, संगत आधार क्या है A. तो ऊंचाई क्या होगा, दोगुना 2a, ऊंचाई क्या होगा 2a, और आधार गुना ऊंचाई हमने क्या कहा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 288, 2 से कटाएंगे 144 बार में, a स्क्वायर बराबर 144, तो a का मान कितना, यानी इसके भुजा पता चल गया, आधार पता चल गया। क्या पूछा था, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई के बारे में कहा था आधार का दोगुना है, तो 12 का दोगुना, यानी आंसर होगा 24। एनटीपीसी में देखिए सवाल पूछा, कोई दिक्कत, नो। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया, ये आप सभी को नहीं पता होगा, हम समझाते हैं, समझने की कोशिश करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा पूछता है, ध्यान से सारे बच्चे याद रखना इस थ्योरी को थोड़ा सा, जब हम एरिया पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल समझा देंगे कि कहां से और कैसे आता है, फिलहाल आपको जो याद रखना है उस चीज को याद रखना। एक समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा बच्चों, समबाहु है, ध्यान रखना, और एक बार देखो समबाहु त्रिभुज के अंदर में वृत्त खींचे हैं और एक बार समबाहु त्रिभुज के बाहर में वृत्त खींचे, राइट। अंदर में खींचे हैं ना, तो अंदर वाला वृत्त नहीं लग रहा है, थोड़ा छोटा है, लग रहा है ना छोटा है, तो इसके त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लिए, और ये थोड़ा बड़ा है तो इसके त्रिज्या को हम क्या मान लिए, कैपिटल आर मान लिए, राइट। दोनों त्रिभुज में, दोनों कंडीशन से सवाल आता है, यहां पर इस कंडीशन से समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी त्रिज्या के बीच एक रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आता है, तो आर बराबर होता है ए बाय, ए बाय क्या होता है, रूट थ्री की 2/√3, ए बाय 2√3 होता है, ठीक है, और कैपिटल आर बराबर होता है बच्चों ए बाय 3। इसको हमेशा के लिए रट के रखना कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में जब वृत्त खींचा जाए
तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और त्रिज्या में रिश्ता इसका आता है आर बराबर ए बाय, और जब बाहर खींचा जाए वृत्त तो रिश्ता आता है भुजा और त्रिज्या में आर बराबर ए बाय, ए बाय रूट थ्री, ए बाय रूट थ्री दोनों में दिख रहा है ना, बस यहां दो से क्या है एक्स्ट्रा बार बढ़ जाता है राइट। अब इस सवाल को पढ़ो देखो क्या कहता है, एक वृत्त में अंक सॉरी ये समबाहु त्रिभुज है ना, हाँ ठीक है, हमको लगा कि कोई अननोन त्रिभुज, अननोन त्रिभुज होता तो उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, संयोग से समबाहु ही है। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु, यानी वृत्त बाहर चला गया जो कहा उसका थोड़ा फिगर बना लीजिए और पता करिए अंदर में वृत्त है या फिर बाहर में, क्योंकि दोनों के लिए अलग कंडीशन होगा। तो यहां कैपिटल आर की बात हो रहा है, यहां इसको कैपिटल आर मानेंगे ना, तो देखिए क्या कहा, यहां से समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, नाइन रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कटा, ए स्क्वायर बराबर नौ चौके, तो ए का मान कितना, यानी पता चल गया समबाहु त्रिभुज की भुजा छह, राइट। तो क्या हम इस वृत्त की त्रिज्या बता सकते हैं, यस, आर बराबर ए बाय रूट थ्री, ए बाय रूट थ्री यानी छह बाय रूट थ्री, वृत्त की त्रिज्या पता चल गया, और वृत्त की त्रिज्या पता चल गया तो आपसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई में ही आंसर है, पाई रहने दीजिए और इसका स्क्वायर करिए, छह का स्क्वायर 36 और रूट थ्री का स्क्वायर 3 से कट गया 12, 12 में क्या 12 पाई है कहीं पे, मेरा आंसर इज डी। क्या बच्चों थोड़ा बहुत भी समझा, तो जब आप जाइएगा तो फुर्सत के क्षण में कभी देख लीजिएगा वीडियो, क्या समय निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत बिजी इंसान हैं, थोड़ा सा समय निकालिएगा, बहुत बिजी हैं आप हमको पता है ना, तो समय निकाल के इसको देखिएगा भी, समझने की कोशिश करिएगा और कॉपी में क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा, राइट ओके।